हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो आज है मेरा एग्ज़ाम। आप भी गए किस बात से, किस टॉपिक से शुरू कर दिया, बट मैंने बीच में एक दो दिन इसलिए ब्लॉगिंग नहीं करी क्योंकि अगला था मेरा फिजिकल का एग्ज़ाम एंड मैंने लिटरली यार कुछ भी नहीं पढ़ा था। तो आज है मेरा फिजिकल का एग्ज़ाम और अभी बज रही सुबह के 5। जस्ट अभी सो के उठा हूँ तो मैंने कहा पहले एक बार ही थोड़ी बहुत रिविज़न कर लिया जाए क्योंकि अभी मैं अच्छे से सारा कुछ कंप्लीट हुआ नहीं है। क्योंकि अभी उठा भी मैं किसी वजह से दोस्त का फ़ोन आ गया, कह रहा कि नहीं यार कुछ भी नहीं आता तेरे को, कितना हो गया। मैंने कहा यार बस थोड़ा ही हुआ, अभी तो अप्रोक्स थोड़ा बहुत तो रह रहा है, अभी भी रिवीजन कर रहा हूँ, चल रही है आप देख सकते हैं। फिजिकल का एग्ज़ाम है, 17 दिन की छुट्टियाँ होते हुए भी यार कुछ नहीं हुआ, वो हो रहा है। चलो देखते हैं कैसे, आपको बताता हूँ अभी कैसे से करते हैं। अभी बजी है 5 एंड मेरे को स्कूल अप्रोक्स 8:45 बजे तक पहुँचना है, तो फिर निकलेंगे जल्दी, मतलब 7 बजे तैयार होना शुरू होऊंगा। क्या सोचता हूँ मैं यार, वेला हूँ, छोड़ो पहले पढ़ लेता हूँ गाइस, तो अब से थोड़ा रिवीजन करने के बाद मिलता हूँ, बाय। वेलकम बैक गाइस। तो अब बज रही है 7:30 सुबह के और मैं उसके बाद फिर सो गया था। मैंने सोचा था तैयारी करूँगा थोड़ी देर फिजिकल के पेपर की, बट नींद आ गई थी बहुत तेज। तो देखते हैं, अब जा रहा हूँ नहाने, फिर उसके बाद कुछ खा पी के जाएंगे पेपर देने, देखते हैं कैसा होता है। होप है बेस्ट हो, प्लीज़ यार गाइस प्रे करना अच्छे नंबर आ जाए बोर्ड्स में, क्योंकि इससे आगे फ्यूचर डिसाइड होगा कि कहाँ जाएंगे, किस लाइन में क्या करना है। सोच तो बहुत कुछ रखा है क्या करेंगे, बट मार्क्स भी बहुत ज़रूरी है आगे के लिए, तो देखते हैं। फिलहाल मैं जा रहा हूँ नहाने और इसके बाद आगे करता हूँ आपसे गाइस बात। हेलो गाइस, तो अब मैं स्कूल के लिए तैयार हो चुका हूँ, जैसे आप देख सकते हैं ड्रेस पाली है, अभी नहा के निकला हूँ बस। टाइम हो चुका है अप्रोक्स 8:15, थोड़ा लेट हो रहा हूँ, जल्दी स्कूल जाना है, अप्रोक्स 8:45 स्कूल पहुँचना है। तो बस अब खा पी के थोड़ा बहुत कुछ निकलते हैं स्कूल के लिए, तो आके आपसे मिलते हैं। सबसे पहले मंदिर ज़रूरी है क्योंकि पेपर है, तो मंदिर में जाके फिर आपसे मिलता हूँ गाइस, तब तक के लिए बाय। चलो गाइस ठीक है, मैं अब निकल रहा हूँ स्कूल के लिए। अप्रोक्स अब 8:20 हो गई है, एक दोस्त को पहले पिक करना उसके घर से, फिर वहीं से सीधा स्कूल जाएंगे। होप करता हूँ पेपर अच्छा हो यार, बाकी देखते हैं कैसा रहता है पेपर। बहुत ज़्यादा बस हाइपर हो पड़े, मतलब हाइपर तो क्या ही कहूँ, मतलब रात को बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही थी कि हाँ अभी कैसा होएगा कैसा होएगा। देखते हैं अब जा रहे हैं, एक तो स्कूल भी मतलब हमारा सेंटर ऐसा आया है कि मतलब पहले दिन ही जाके हमारी ऐसी रैपो बन गई वहाँ पे कि हमने चीटिंग करी नहीं बिल्कुल भी। तो फिर मतलब टीचर कहते हैं, वहाँ के टीचर ने इतनी तारीफ कर दी हमारी कि हाँ मतलब ये आया सबसे बेस्ट बैच अब तक टीचर, मतलब इन्होंने चीटिंग नहीं करी ना, इवन नेक तक ही लागे मतलब मूव नहीं करी अपनी। और हम भी ऐसे हो गए यार क्या ही करें, क्योंकि इंग्लिश का पेपर था, लेंथ ही बहुत ज़्यादा था, पूरे टाइम टाइम पे कंप्लीट हुआ है। तो फिर मतलब पहले उस पेपर में चीटिंग करने की जरूरत भी नहीं पड़ी ना हमने करी, तो टीचर ने इतनी तारीफ कर दी। अब सेकंड और मतलब आगे के पेपर में चीटिंग भी नहीं कर सकते, सोच भी नहीं सकते करने के लिए। तो देखते हैं अब खुद के दम पे ही सारा पेपर करना पड़ेगा, और पहली बार बोर्ड्स हैं, और क्योंकि 10th में तो कोरोना था ऐसे ही पास हो गए हैं, फर्स्ट टाइम बोर्ड दे रहे हैं, बहुत बुरी हालत हुई पड़ी, बहुत बुरी सिचुएशन है। चलो फिर गाइस मिलते हैं आपसे पेपर देने, दे के आने के बाद मिलता हूँ, ठीक है। तो गाइस देख सकते हैं आप, अभी हम जा रहे हैं स्कूल के लिए, मतलब बोर्ड के एग्जाम देने जा रहे हैं। हमारा ड्राइवर दिल टूटा आशिक है, दिल टूटा आशिक। गाइस मैं बस अभी आया ही हूँ स्कूल से, और फिजिकल का पेपर बहुत ज़्यादा आसान था, 70 मार्क्स का होता है फिजिकल का, हमारा पेपर मतलब बहुत सही हो गया है। और पहली बार पता नहीं बोर्ड वालों ने गलती कर रखी थी, एक सेकेंड, अरे यार बोर्ड वालों ने गलती कर रखी थी, पता नहीं क्या था वो, सेम मतलब वो दे दिया था पहली वो क्वेश्चन पेपर, हाँ
क्वेश्चन पेपर मतलब सब पे सेम था, जैसे चार सेट होते हैं ना बोर्ड के पेपर, इस बार सेट 1 2 3 4 था और मैंने देखा मेरे पास सेट 4, और लेकिन जब देखा सबके पास सेट 4 था, जब हमने हमारा पेपर कंप्लीट हुआ हमने जाके देखे मैच किए, हमने कहा वो यार ये क्यों हो रही है, तो सबके सेट 4 आ रहा है, तो फिर बस इस बात का थोड़ा वो चीटिंग नहीं लग पाई, मतलब सेट 4 था सबका सेम था, चीटिंग हो जाती बट वो नहीं हो पाई। तो लेकिन पेपर बहुत बढ़िया हुआ है, बहुत ज़्यादा नेक्स्ट लेवल का पेपर हुआ है आज, मतलब आज के वाले पेपर में मजा आ गया करके। हम वो बच्चों में से हैं जो आखिरी रात को पढ़ के बढ़िया पेपर करके, मेरे एक दोस्त था मतलब बहुत दो हफ्तों से मतलब फिजिकल की तैयारी कर रहा है, दो हफ्ते उसने फिजिकल की तैयारी करी है, 13 दिन की छुट्टियाँ थी, पूरे 13 के 13 दिन उसने फिजिकल की तैयारी करी है, और वो आया तो कहता भाई पेपर मतलब सही हुआ है, ज़्यादा ना बढ़िया ना ज़्यादा घटिया, और मैंने कल रात को तैयारी करी है सिर्फ, और मैं आगे गया मैंने कहा भाई ख़त्म, पेपर बहुत नेक्स्ट लेवल का हुआ, बहुत बढ़िया हुआ है। तो आज के पेपर में मजे आ गए, बहुत जेन्युइन पेपर आया है। तो चलो फिर गए थोड़े आपसे कपड़े कपड़े मिल के बात, कपड़े कपड़े बदल के बात करता हूँ, फिर मिलते हैं गाइस, ठीक है। हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो अभी मैं आया हूँ ट्यूशन से, एंड ट्यूशन से आती मम्मी ने मेरे को काम भेज दिया, मम्मी कहते जाइए सामान लिया, तो बस अब वहीं जा रहा हूँ सामान लेने थोड़ा बहुत घर का, फिर देखते हैं सामान ले आने के बाद आपसे बात करता हूँ। एक लाइट ला दूँ करके, अंधेरा करके रखता है, शाम हो गई है, मम्मी शाम को भी अंधेरा कर रखा है। हाँ तो फिर आपसे मिलता हूँ, थोड़ा सामान ले आऊँ जाके, फिर आपसे आगे करता हूँ बात में थोड़ी देर। वेलकम बैक गाइस। तो अभी बस घर के सारे काम निपेड़ के अभी घर पहुँचा ही हूँ, और सब कुछ सामान सामून थोड़ा बहुत तो मम्मी ने बताया था कि ये लेके आना है, तो वो सब सामान अब लेके आया हूँ, एंड देखते हैं अब क्या, रात हो ही चुकी है, आज का व्लॉग इसको व्लॉग को फिर यहीं एंड करते हैं, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, सॉरी थोड़ा वो हो गया, नेक्स्ट व्लॉग में। तो फिर तब तक के लिए स्टे सेफ, बाय।